अगर आपको भी इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जाना, छोड़िए, अरे हमको सवाल में रहना चाहिए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, आपकी तरह नहीं है हम। IISc बैंगलोर इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, जिसकी NIRF रैंकिंग 1 है रिसर्च कैटेगरी में भी एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी। और अगर कोई इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो बड़ी बड़ी दुनिया के कॉलेजेस को टक्कर देता है, वो है IISc बैंगलोर। और पहले ही साल IISc बैंगलोर ने आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया। बहुत ही कम सीट थी, फिर भी हमारे सायस्त्रा के स्टूडेंट्स ने कर दिखाया। 4 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं इस बार, और आइजर्स में तो 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। एनीवेज, आपको पता है कि KVPUI एग्जाम एबॉलिश हो गया है, तो किस एग्जाम ने उसे रिप्लेस किया है, वो है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। जी हाँ, इस साल 2023 से ही IISc बैंगलोर अब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू भी एडमिशन ले रहा है। इस साल 18 सीट्स इन जनरल कैटेगरी लिया है, बाकी कैटेगरी में भी लिया है, एंड 360 सीट्स KVPUI 2021 में जो एस एस स्ट्रीम से हुआ था उससे लिया है। बट नेक्स्ट ईयर सिंस KVPUI तो रहेगा नहीं, तो वॉट वी एक्सपेक्ट इज प्रोबेबली 360 सीट्स वहां से एंड आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से ऐड हो जाएंगी। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर चैनल बन सकता है IISc बैंगलोर के एडमिशन के लिए। जी हाँ, अब बहुत सारे लोगों को तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में ही नहीं पता है, आइजर्स के बारे में ही नहीं पता है, तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने बताया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करना है, हर एक चीज मैंने बता रखी है IIT 2024 एग्जाम के लिए, आप चेक कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन एग्जाम्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू IISc बैंगलोर 2024 में एडमिशन हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न कैसे होंगे, कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, फीस कितनी आपको देनी होती है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है इन IISc बैंगलोर पढ़ाई करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस एक वीडियो में। आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो में सब कुछ सफिशियंटली आपको मिल जाएगा। नाउ सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए मैं शुरू करता हूं विद दी एडमिशन चैनल्स, कौन कौन से एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन होगा। सो जैसा मैंने बताया, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, नीट एग्जामिनेशन, एंड लास्ट ईयर KVPUI था, अब तो वो नहीं रहा। सो टोटल 4 चैनल्स के थ्रू एडमिशन होगा। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले आपका क्लास 12th 2024 में खत्म होना चाहिए या फिर 2023 में, दैट मीन्स अगर आप सिंगल ड्रॉपर हैं या फिर क्लास 12th उसी साल खत्म हुआ है तो। सेकेंड क्राइटेरिया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी टू गेट एडमिशन इन टू IISc बैंगलोर। अगर आपका सिर्फ PCB है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होना ही चाहिए इन योर क्लास 12th, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स यू कैन हैव। और ये बहुत ही बुरी खबर है एक्चुअली PCB स्टूडेंट्स के लिए, जो ज्यादातर नीट स्टूडेंट होते हैं, जो सिर्फ बायोलॉजी लेके रखते हैं, मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट गेट एडमिशन इन टू IISc बैंगलोर। और इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था डिटेल में कि अगर आप क्लास 10th के बाद 11th में जाते हो और साइंस स्ट्रीम लेते हो तो PCB ले, PCM ले या PCMB ले, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। ऑब्वियसली कठिन होता है चारों सब्जेक्ट को मैनेज करना, लेकिन PCMB लेने से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल IISc बैंगलोर एक है, इसी तरह IIT मद्रास का 4 ईयर BS मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, उसमें भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है। सो PCB स्टूडेंट नहीं दे सकते उस चीज़ को। चलिए एनीवेज, थर्ड क्राइटेरिया पे आते हैं, ये है कि आपका क्लास 12th में मिनिमम 60% होना चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट। मैं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ PCM की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मिनिमम 60% होना चाहिए। बट अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो अगर आप पास भी कर जाओ तो चल जाएगा। This relaxation has been given to SC and ST candidates. So these were the 3 important criteria, eligibility criteria to IISc Bangalore. चलिए अब बात करते हैं application dates की एंड apply कैसे करें, fees क्या होती है। So important dates ये है कि 1st April से 31st of the May तक application start होता है, यही date होती है हर साल। And जो fees होती है, as you can see here, general OBC, EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ होती है, एंड SC, ST एंड PWD कैटेगरी के लिए ओनली 250 रुपीज़ फीस होती है। रिजर्वेशन भी है ST, SC, OBC, PWD, कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के लिए एज़ पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ कि क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कैटेगरी सही फिल करना है। कैटेगरी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट सीट गंवा देते हैं बहुत अच्छी रैंक लाने के बाद भी। यही नहीं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं,
कब तक फिल कर देना है, सारी चीजें मैं हर साल बताता हूँ डिटेल में। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं अपडेट बताऊं ऐसी बैंगलोर की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ रैंक्स की, कितनी रैंक आनी चाहिए ऑल ओवर इंडिया ताकि आपको सीट मिल पाए, सिलेक्शन हो पाए। सो हर एक कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ। एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पहली बार ये एग्जाम के थ्रू लिया गया है तो बहुत ही कम सीट्स ली गई हैं। एक्चुअली केवीपीवाई के थ्रू डाइवर्ट हो गया है, केवीपीवाई से काफी सीट ली गई हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से इस साल कम ली गई हैं। वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली प्रोबेबली ऐड हो जाएगी केवीपीवाई और आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल में 17, जनरल फीमेल अप टू AIR 41, एंड सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरी ऑल्सो यू कैन सी SC के लिए 1236, ST के लिए 1497, ST फीमेल के लिए 5500। सिमिलरली यू कैन सी फॉर JEE एडवांस्ड ऑल्सो जनरल 360, जनरल फीमेल 777, एंड इट हैज़ इवन गॉन अप टू 50,000 इन ST फीमेल कैटेगरी। द रैंक इज सेम फॉर नीट UG कैटेगरी ऑल्सो एज यू कैन सी हियर। नाउ कमिंग टू KVPY, ऐसे एज आई टोल्ड दे ऑल्सो टुक फ्रॉम KVPY, सो यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर 360 फॉर जनरल एंड फॉर डिफरेंट कैटेगरी यू कैन सी। फॉर JEE मेंस अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस कट ऑफ रैंक एज यू कैन सी हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर एट IIT बैंगलोर। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन हियर, ट्यूशन फीस साल भर की, मैं पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ट्यूशन फीस है 10,000 rupees, जिम खाना फी इज 1,200 rupees, अदर एकेडमिक फीस 3,700, एमरजेंसी फंड 300 rupees, और कुछ और भी रिफंडेबल डिपॉजिट है 7,500 फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी डिपॉजिट एंड सो ऑन, सो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। सो टोटल फीस अगर हम ऐड करें 10,000 प्लस 1,200 प्लस 3,700 प्लस 300, सो टोटल फीस इज 15,200 rupees ओनली फॉर होल ईयर इन IIT बैंगलोर। अब अगर हम IIT बैंगलोर पे स्कॉलरशिप की बात करें तो ऑल स्टूडेंट्स गेट 5,000 rupees पर मंथ स्कॉलरशिप अलॉन्ग विद द स्टाइपेंड एंड कंटिजेंसी फॉर समर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप में जनरली 20,000 rupees मिलते हैं 2 महीने समर इंटर्नशिप करने के लिए। नाउ दिस स्कॉलरशिप इज जनरली इंस्पायर स्कॉलरशिप और वेरियस अदर फंडिंग एजेंसीज आर देयर, इंडस्ट्री भी फंड करती है, कुछ क्राइटेरिया IIT बैंगलोर की भी है, बट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स गेट 5,000 rupees पर मंथ स्कॉलरशिप थ्रू एनी ऑफ दीज स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। नाउ इस पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए जो ट्यूशन फीस है 10,000 rupees पर ईयर की, वो भी जीरो है, फुली वेव्ड है फॉर ST एंड SC कैंडिडेट्स। नाउ पूरी डिटेल फीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वो आप अच्छे से देख लेना ऑफिशियल वेबसाइट में IIT बैंगलोर की, ठीक है। नाउ IIT बैंगलोर से आप BTech भी कर सकते हैं, BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसके लिए अबाउट 52 सीट्स हैं आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, एंड उसका एंट्रेंस एग्जाम JEE एडवांस्ड है, सिर्फ उसी के थ्रू एडमिशन होता है, तो उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। सो BTech के लिए IIT बैंगलोर से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, डिटेल में उसके बारे में बता दूंगा। सो दीज वर ऑल द डिटेल्स जो मुझे आपको बताने थी इस वीडियो में। अगर आपको भी IIT बैंगलोर के लिए प्रिपेयर करना है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, आपने ऑलरेडी हमारे इतने सारे सिलेक्शंस देखे हैं IIT बैंगलोर में, 300 से भी ज़्यादा इस साल हुए हैं, टोटल हमारे 500 से भी ज़्यादा आइजर्स में सिलेक्शन हो चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 12, 13 एंड सो ऑन, राइट, ऑल इंडिया रैंक 7, 10, हर एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। अगर आपको भी इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जाना, छोड़िए, अरे हमको समझ में आना चाहिए, हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, आपकी तरह नहीं है हम, साइंटिस्ट बनना है फ्रॉम आइजर्स, नाइजर, CBS, IIT बैंगलोर, ISES, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में करियर बनाना है तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, TIFR, इन जैसे इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, गाइडेंस चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट चैनल है पूरे यूट्यूब में, विच इज साई अस्त्रा। नाउ अगर आप हमारे कोर्स लो, अच्छी बात है, इतने सारे सिलेक्शंस हैं, आपका भी बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अगर नहीं भी लेते हो, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो साइस्त्रा ऐप में हमेशा मैसेज कर सकते हो, फ्री में आपको रिप्लाई मिलेगा, नो चार्जेस। इसके साथ ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री में ऑलरेडी साइस्त्रा ऐप में दे रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस मत करना। और हमारे डिस्काउंट भी चलते रहते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं अलग अलग कोर्सेज में, तो हो सकता है कई कोर्सेज में डिस्काउंट चल रहा हो। आई होप यू गेट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, कमेंट में बता देना, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो साइस्त्रा ऐप में। विद दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने
IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।